हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए विषय पर। आज का विषय है इंदिरा आवास योजना, जो आपके आगामी आने वाले एडीओ परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ष 1985-86 में भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना चलाया जा रहा था और इस योजना के उपयोजना के रूप में इंदिरा आवास योजना को शामिल किया गया था। इसके बाद आगे चलकर 1989 में जवाहर रोजगार योजना को प्रारंभ किया गया था, जिसमें इंदिरा आवास योजना को शामिल कर लिया गया था। जिसके बाद 1 जनवरी 1996 को इंदिरा आवास योजना को एक स्वतंत्र योजना घोषित किया गया और यही योजना आगे चलकर पीएम आवास योजना बन गया। अब इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मुक्त बंधुआ मजदूरों को आवास प्रदान करना था। हालांकि बाद में इस योजना का लाभ हर वर्ग को दिया जाने लगा। वहीं इस योजना के तहत यह मकान महिला वयस्क सदस्य के नाम पर दिया जाता है। अब हम इस योजना के तहत वित्त पोषण की बात करें तो इस योजना के संचालन के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सेदारी 75:25 का था। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हिस्सेदारी 90:10 का था। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के बेहतर सफल संचालन के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी यानी DRDA को नोडल एजेंसी बनाया गया था। अब हम सहायता राशि की बात करें तो इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रारंभ में 25,000 रुपए दिया जा रहा था, फिर इसे बढ़ाकर 45,000 रुपए कर दिया गया। वहीं 1 अप्रैल 2013 से 70,000 रुपए दिया जा रहा था। इसी के अनुरूप पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए प्रारंभ में 27,500 रुपए दिया जा रहा था, फिर इसे बढ़ाकर 48,500 रुपए कर दिया गया था। वहीं 1 अप्रैल 2013 से 75,000 रुपए दिया जा रहा था। अब हम अन्य सहायता की बात करें तो इस योजना के तहत कच्चे मकान के लिए 15,000 रुपए वित्तीय सहायता दिया जाता है। वहीं IAP यानी नक्सल जिलों में 4% के दर से किसी भी बैंक से 20,000 रुपए तक का ऋण भी दिया जाता है। वहीं इस योजना के तहत आवास निर्माण 20 वर्ग मीटर में किया जाता है। वहीं वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 वर्ग मीटर में आवास निर्माण किया जाता है। आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि 1993-94 से गैर अनुसूचित जाति के ग्रामीणों को शामिल किया गया था। वहीं इस योजना के तहत आवास बनाने का जिम्मेदारी लाभार्थी का रहता है एवं ठेकेदार को आवास निर्माण में पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रखा गया है। वहीं अंतिम में आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि ग्रामीणों के इन्हीं सभी आवश्यकताओं को देखते हुए 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण कार्यक्रम को 6 घटकों को मिलाकर प्रारंभ किया गया, जिसके तहत बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और आवास शामिल है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस विषय से काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।